छिलका जो है वो अलग हो जाएगा जी, और बाहर डेयरी लग जाएगा उसका। हाँ, वहाँ साइड में हो जाएगा। यहाँ से नीचे जाएगा फिर ऊपर। हाँ, एलिवेटर से दो, या डबल एलिवेटर है। हाँ, दूसरे एलिवेटर से इसमें आएगा। हाँ, ये सेपरेटर है। हाँ, इसमें धान अलग हो जाएगा। हाँ, चावल अलग हो जाएगा जी। जो चावल है वो इसमें गिरेगा। हाँ, और धान अगर रह गया होगा। हाँ, तो वापस रिप्रोसेस के लिए अलग में चला जाएगा, वापस आ जाएगा, रिपीट होगा। यहाँ से चावल यहाँ गिरेगा। हाँ, इसमें ये पॉलिशर है। हाँ, यहाँ से धान गिरेगा, यहाँ पे पॉलिशर लगा हुआ है। हाँ, पॉलिश होगा, सफ़ेद निकल जाएगा चावल पूरा। ये यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। हाँ, 1 टन कैपेसिटी है पर आवर मशीन की। हाँ, साइज़ है 15 फुट लंबी, 10 फुट चौड़ी। हाँ, हाइट चाहिए इसको 12 फीट का। 12 फीट। हाँ, और जो भूसी के लिए अलग से, जो छिलका के लिए जो डेयरी होगी। हाँ, उसके लिए 15x20 का स्पेस चाहिए। कॉस्ट क्या रहेगी सर? हाँ, कॉस्ट सर ये 9 लैक्स। 9 लाख प्लस GST। प्लस GST। आपका कहाँ हेड ऑफिस का? कहाँ से? हेड ऑफिस सूरत है सर। और इसकी ब्रांच कंपनी का नाम है मेरा डिप्लॉय। और ये वीडियो भी हमने गुवाहाटी में भी प्लांट लगाया अपना। हाँ हाँ, वहीं का वीडियो ये देखिए, सेपरेटर है। हाँ, ये धान को चावल से अलग कर रहा है। हाँ, उसके बाद ये पॉलिशर में जा रहा है। ये पॉलिशर तो सर, ये मशीन कोई लेना चाहिए तो उसको लेने के बाद क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? क्यों लेना चाहिए मशीन? क्यों लेना चाहिए मशीन? इसलिए लेना चाहिए, इसमें अगर आप मान लो 5 टन प्रोडक्शन करते हो, 5 टन अगर चावल होता है और 2 रुपये भी अगर आप 1 किलो के पीछे 5 टन रखते हो, डेली का 10,000 रुपये बनता है। और सर, मैंने जहाँ तक आपने जैसे बताया, उस हिसाब से जो बंदा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहा है ग्रेन्स का, राइस का, जैसे जापान अपान में, वहाँ क्या क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर 1% भी आपके माल के अंदर डिफॉल्ट हो गया तो इसके लिए सर हमारा एडिशन, ये पूरा एडिशन मशीन भी है। जैसे ये ग्रेडिंग मशीन, इसमें जो आप यहाँ से चावल निकलेगा वो एलिवेटर के थ्रू अंदर जाएगा, ऊपर से यहाँ अंदर आएगा। यहाँ पे जो टुकड़ी है वो अलग हो जाएगी, और साबुत जो चावल है वो यहाँ से निकलेगा, पूरा इसमें से निकलेगा। इसको भी अगर आपको प्रीमियम करना है चावल एकदम बेस्ट क्वालिटी, तो फिर यहाँ से ये इसमें जाएगा, ऊपर जाके इसमें गिरेगा। ये सोटेक्स मशीन है। क्या, कौन सी मशीन है? सोटेक्स मशीन। इसका क्या प्रोसेस है? इसमें व्हाइट कलर के अलावा जो भी कलर है, काला पीला जो भी कलर है, उसको साइड में कर देगा। प्योर व्हाइट ग्रेन की आपको मिलेगा, प्योर व्हाइट राइस लास्ट में पूरा एकदम प्रीमियम हो जाएगा। 22 रुपये का चावल 30 रुपये 35 रुपये में होता है व्हाइट राइस का। तो सर, अगर अपना समझ लीजिएगा, अपने कोई चावल लिया 25 रुपये में जिसकी क्वालिटी भी ठीक नहीं है, और इसका पूरा प्रोसेस अपनाने के बाद अपने कितना मार्जिन रह सकता है, कितनी कॉस्ट इसमें लगेगी अपने? सब कॉस्ट डिपेंड करता है आपका प्लांट कहाँ लगेगा। हाँ, आपका खुद का प्लांट है। हाँ, सब तो कॉस्ट कम लगेगा। हाँ, और अगर आपने रेंट पे ले रखा है। हाँ, रेंट भी तो रेट होगा, और डिपेंड करता है आपका ऊपर भी क्या सैलरी है। वो सर, ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी, लेबर कॉस्ट, 150 लगेगा, वो सारे इंक्लूड हो गए कॉस्ट निकलते हैं। हमारी इस मशीन में कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 1 रुपये से भी कम रहता है पर केजी। अगर आप दिल्ली का अगर 7-8 टन माल चलाते हो तो 1 रुपये से भी कम कॉस्ट आएगा, ऑलमोस्ट 80 पैसे। तो सर, ये पूरा प्रोसेस कितने रुपए में बताया आपने पूरा? ये मेन हमारी 9 लाख की है, मेन आइटम, मेन प्रोडक्ट तो यही है। और इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है मिनी राइस में, बाकी है वो सारे या तो बड़े होंगे या छोटे होंगे। ये हमारा पहला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है अभी। ये ग्रेडिंग मशीन है, सोटेक्स मशीन। इनका क्या कॉस्ट है सर? ये है 1,65,000। 1,65,000। ये है 11.5 लाख का। 11.5 लाख प्लस GST। प्लस GST। इसमें 18% है।
तो सर अगर ये पूरा प्रोसेस नहीं अपना, अपने एक ये मशीन खरीद ली, इसमें अपने चावल डाल दिया, अपन को सिर्फ वाइट चाहिए, तो वो प्रोसेस हो सकता है इसमें? हाँ हाँ, उसके लिए तो बनी है मशीन। अच्छा अच्छा, नहीं आप बता रहे थे कि वहाँ से पूरा ये प्रोसेस होगा, उसके बाद इसमें डालेंगे तो वो, आपने बोला ना मेरे को पूरा सुप्रीम क्वालिटी। अच्छा 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 अच्छा, इस शॉर्टेक्स मशीन में कोई सा भी धान चल सकता है? कौन सा भी चल सकता है? अलग से मशीन अगर आपको शॉर्टेक्स लेना है तो कोई भी ग्रेन चल जाएगा, गेहूँ चल जाएगा, आपका ये चावल चल जाएगा, सब चल जाएगा। तो सर आपका नाम क्या है? आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर। सर सुमित नाम है। सूरज? सुमित। सुमित, और इसमें गेहूँ भी चल सकता है? गेहूँ भी चल सकता है, पूरी प्रोसेस वही है। अच्छा सर, केवल ये पॉलिशर हट जाएगा। हाँ हाँ, बाकी यहीं से आपका गेहूँ। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, जो हमारे किसान भाई लोग देख रहे हैं उनको इन टेक्नोलॉजीज के बारे में पता नहीं था, पर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, उनको अवेयर करवाया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।